नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज लखीमपुर खीरी कांड का कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन लखीमपुर को लेकर जमकर पॉलिटिक्स हुई। आज राहुल गांधी फुल फॉर्म में थे, सुबह से ही हेडलाइंस में बने हुए थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ, फिर वो सीतापुर के लिए निकले हैं, जहां प्रियंका गांधी को अस्थायी जेल से छोड़ा गया, जिसके बाद दोनों भाई बहन लखीमपुर के लिए निकल गए। और अभी अभी खबर आ रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सीतापुर से लखीमपुर खीरी के लिए निकले हैं। लखीमपुर खीरी से पहले वे पलिया जा रहे हैं। राहुल प्रियंका पलिया में मारे गए किसान लवप्रीत सिंह के घर जाएंगे, मारे गए किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों से वहां वो मुलाकात करेंगे। तो ये अभी तक जो जानकारी मिल रही है, यानी निकले हैं सीतापुर से लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन रास्ते में पलिया जाएंगे, जहां पर जो मारे गए किसान हैं लवप्रीत सिंह, उनके घर में उनके परिजनों से जाकर मुलाकात करेंगे, वहां संवेदना प्रकट करेंगे अपनी। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी निकले हैं लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं पहले वो पलिया जाने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीतापुर से निकलने के बाद पलिया की तरफ जा रहे हैं, जहां वो 3 तारीख को मारे गए किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी सीतापुर से सीधे प्रियंका से मिलने सीतापुर में गेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां से प्रियंका गांधी को अस्थायी जेल में रखा गया था। ये तस्वीरें हैं जब बाहर निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उस वक्त की तस्वीरें हैं। अब पलिया की तरफ ये जा रहे हैं और उसके बाद लखीमपुर जाएंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जो प्रियंका गांधी के साथ ही थे इन दिनों, और अब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी रवाना हुई हैं लखीमपुर के लिए, जहां पे लखीमपुर जाने से पहले पलिया की तरफ बढ़े हैं वो, वहां किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों से मिलेंगे। सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया प्रियंका गांधी ने, उनके साथ राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। इसके बाद यहां से प्रियंका और राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब बाहर आई गेस्ट हाउस से प्रियंका गांधी, उस वक्त की तस्वीरें हैं, मीडिया की बड़ी संख्या में मौजूदगी वहां नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच चुके हैं, अब वहां से पलिया के लिए वो रवाना हुए हैं, जहां मारे गए किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, सीतापुर उत्तर प्रदेश से निकले थे और अब जो जानकारी मिल रही है लखीमपुर पहुंच चुके हैं, और यहां से अब वो पलिया जाएंगे, जहां मारे गए किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये कारों का काफिला जो रवाना हुआ था सीतापुर उत्तर प्रदेश से, लखीमपुर से पलिया कस्बे के लिए निकले हैं, यहां लवप्रीत के परिवार वालों से मिलने के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो उनका काफिला आपसे कुछ देर पहले पहुंचा है लखीमपुर खीरी, सीतापुर जहां पर प्रियंका गांधी थी वहां पहले राहुल गांधी पहुंचे, वहां से प्रियंका गांधी उनके साथ निकली और कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी, और अब यहां से पास में कस्बा है पलिया, वहां के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन आज उससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने आज पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। राहुल गांधी ने पुलिस प्रशासन के लिए रूट से जाने से साफ इनकार किया, वो धरने पर बैठ गए। ये पूरा का पूरा एपिसोड करीब 1.25 घंटे तक चला। इस 1.25 घंटे में राहुल गांधी ने जमकर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। सवाल है कि क्या यह सब राहुल गांधी की सियासी स्ट्रेटेजी थी, इसे समझने के लिए ये पूरी रिपोर्ट देखिए। आज राहुल गांधी सुबह से ही हेडलाइन में थे, सीतापुर आने से पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर उनकी बड़ी ब्रेकिंग बन गई। पुलिस ने लखीमपुर जाने का रूट बना रखा था, गाड़ियां भी कर रखी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस के रूट से जाने से मना कर दिया और उनकी गाड़ियों में बैठने से भी। लखनऊ एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ उसकी एक एक फुटेज कैमरे में कैद हुई है। राहुल की पुलिस से पहली कन्वर्सेशन जो हुई वो सुनिए। हमारी गाड़ी यहाँ है, यहाँ लगी हुई है सर, हम उस गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। देखिए हमारी नहीं, हमारी यहाँ खुद की गाड़ी में ही जा रहे हैं, हमारी गाड़ी अपनी गाड़ी होती है, दूसरी गाड़ी में नहीं जा रहे, नहीं जाएंगे हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। कुछ जाम नहीं सर, पूरा जाम में करा सर। देखिए आप किस बेसिस पे रोक रहे हैं हमें? सर रोक नहीं रहे सर, सर आप राहुल जी की अपनी सिक्योरिटी समस्या क्या?
Because we have to do other things on the way. Okay, so let us go now and don't waste our time. Otherwise, I'll sit here. I won't move from here. मैं बैठ जाता हूँ. मेरा क्या जा रहा है? सर रूट सर इनसे इनसे बातचीत हम अपनी गाड़ी में जाकर सिक्योरिटी वाले से बातचीत थी सर. कौन से कानून के बेसिस सर वीआईपी हैंगर से सारी गाड़ियां अलग लगाई गई सर. मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है सर. आपकी सिक्योरिटी को देखकर सर सर जाना है सर. पूरा जाम है तिराहा सर. कुछ जाम नहीं है. हम वहाँ से जाना चाहते हैं सर. केवल सर सिक्योरिटी को देखे सर. सर कितने सर वहाँ से बात हुई थी. अरे आपको क्या गाड़ी यहाँ है, हमारी अपनी गाड़ी में जाने दो ना हमें. सर हम लोग सुबह से एक्सरसाइज करके सर आपने पूरा प्लान किया है. आगे लगा दी आपको आपको सिक्योरिटी लगानी आप यहाँ लगा दीजिए. आप सिक्योरिटी सर विच रूल आर यू डिसाइडिंग हाउ आई विल डू. जस्ट गिव मी रूल बता दो मुझे. कौन सा रूल है ये हिंदुस्तान में? कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे कौन सा रूल है सर. इट्स मोर मोर कन्वीनियंट की बात नहीं, मुझे रूल का नाम बता दो सर. यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत है. कुछ नहीं, आप रूल का नाम बताओ मुझे. मैं ट्रैफिक में जाना चाहता हूँ, आपको क्या ऐतराज है सर? जहाँ ट्रैफिक जाम रोज अपनी सिक्योरिटी में ट्रैफिक जैम में जाता हूँ, ये नई बात नहीं है. आप मुझे अपनी गाड़ी में जाने दीजिए सर. आम जनता को मिनिमम सर प्लीज मान जाइए सर. सर आप सर प्लीज मान जाइए सर. प्लीज मान जाइए सर. आम जनता को मिनिमम सर प्लीज मान जाइए. जनता को कोई कमाल की बात सर. प्लीज सर मान जाइए सर. आपके लिए पूरी व्यवस्था कराइए सर. वीआईपी हैंगर से पूरी गाड़ी लगा. मैं आपकी व्यवस्था चाहता ही नहीं हूँ सर. सर मैं अपनी गाड़ी में जाना चाहता हूँ. हमें अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में ही रखना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं सर. आप सही नहीं सर. हमें गाड़ी क्यों दे रहे हैं? आपकी गाड़ी है सर आपकी सिक्योरिटी से बात कर रहे के नाम पे ट्रैप मत लो सर. सीरियसली बता रहे हैं सर. ट्रैफिक सीतापुर बॉर्डर तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं सर. पुलिस वाले मिन्नते करते रहे, कहते रहे कि आप वीआईपी हैं, आपकी सिक्योरिटी का इश्यू है और जिस रास्ते में आप जाना चाहते हैं वहां पर जाम लगा है. सिक्योरिटी इंतजामात में आप भी परेशान होंगे, पब्लिक भी परेशान होगी, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए. उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सब योगी सरकार का बुना जाल है, साजिश के तहत उन्हें रोका जा रहा है. हमें अपनी गाड़ी में जाना है, ये चाहते हैं कि हम इनके साथ इनकी गाड़ी में जाएं. मैंने इनसे पूछा, आप हमें बताइए, मैं देश का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश आया हूं, आपने कहा कि मैं जा सकता हूं, मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है. अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे. जरूर 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं. तो क्या आपको लगता है ये अपनी गाड़ी में बिठा के आपको कहीं ले जाएंगे और उस जगह पे मुझे क्या जाएंगे? मुझे क्या मालूम. मुझे मैं तो लखीमपुर खैरी जाना चाहता हूँ, ठीक है. हमारी वहाँ पे गाड़ी है. इन्होंने कहा था कि पहले हमसे कहा था कि आप जा सकते हैं गाड़ी में जी. अब कह रहे नहीं जा सकते. अंदर डिसाइड कुछ और हुआ था और बाहर अब ये बदल दिया. कुछ ना कुछ ये मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं. आप लोग को रोका जा रहा है, बाधाएं डाली जा रही है, प्रियंका जी को वहां पे रोका हुआ है, लेकिन जो आरोपी है आशीष मिश्रा उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही सर. अब ये पता नहीं, पूछिए इनसे. क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से रोका गया, पहले कल आपके चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उनको भी रोका गया यहाँ पे, आज आपके साथ इस तरह से घेराबंदी की गई है, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सर? आई मेक ऑफ इट ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं. हम इन लोगों से नहीं डरते हैं, सीधी बात है सर. जब तक मिलेंगे नहीं आप लोग, यू विल बी हियर. एंड यू थिंक सर द मैनर इन विच यू नो प्रियंका जी वाज केप्ट यू नो इन अ मेकशिफ्ट जेल फॉर सो मेनी सो मच टाइम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स ऑल फाइन. मेकशिफ्ट जेल, दिस इज नॉट द इशू हियर. राइट, वेदर आई एम केप्ट इन मेकशिफ्ट जेल, प्रियंका इज केप्ट इन मेकशिफ्ट जेल, आई डोंट केयर. राइट, द इशू इज दैट सिक्स पीपल हैव बीन रन ओवर बाय अ क्रिमिनल. The people who are supposed to be putting the criminal in jail, right? They are not putting the criminal in jail, right? They are stopping people from going to see the family who's lost their members. आज एयरपोर्ट पर कांग्रेस का फुल फोटो सेशन चला.
इस पूरी शूटिंग में तो कई चेहरे गौर करने वाले थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बॉस के प्रति समर्पित नजर आए। राहुल गांधी बीच में, चन्नी और बघेल दाएं और बाएं बैठे थे। कहा तो ये जा रहा है कि ये तस्वीरें किसानों के लिए नहीं बल्कि सिद्धू और टीएस सिंह देव को मैसेज भेजने के लिए निकाली जा रही थी। राहुल जब तक इस जगह पर बैठे रहे, झुंझलाते रहे, उसी दौरान मीडिया कैमरे नजर आए तो उनसे रहा नहीं गया। क्या कहा सुनिए। Now I'm not being allowed out of the airport. So they told me, look, watch, look at this. Look, ये मुझे निकलने दीजिए please. जल्दी शुरू करो. निकलने दीजिए मुझे. ये देखिए. इधर सर कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह. ये देखिए मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे. पहले कहा परमिशन मिल गई. जी. अब चलने दीजिए ना मुझे. ये देखिए. जी. कैसी परमिशन है ये? जी. जी. तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? आप मुझे बताओ ये कौन सी परमिशन है? मैं निकल सकता हूँ प्लीज? जी. ये देखिए परमिशन. सर यूपी सरकार, यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए. जी सर अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रोका जा रहा है. आप कैमरा लगाओ ना यहाँ. ये देखो क्या हो रहा है. ये देखो, ये देखो. आपको लगता है डिस्पीड करने की कोशिश की गई आप लोग को, कहीं और ले जाने की कोशिश है? मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे. तो आप यही धरने पर रहेंगे सर? जब मैं क्या करूं, निकल नहीं पा, नहीं निकल ही नहीं पा रहा हूं. तो सर आप धरने पे रहेंगे जब तक आप? धरने पे क्या, यहां बैठा हूं, निकलने नहीं दे रहे मुझे. आज राहुल गांधी का पूरा फोकस कैमरे पर था. हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, इसे समझना है तो आगे की आई इन तस्वीरों को देखिए. बहुत सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे. मीडिया के कैमरों में लाइव एपिसोड चल रहा था, लिहाजा राहुल के अगले सीक्वेंस के स्क्रिप्ट भी सामने आ गए. रणदीप सुरजेवाला के हाथ में मोबाइल था, नई स्क्रिप्ट का मजमून भी था. मतलब अब धरना हो गया, अब लखीमपुर खीरी चलना है. पहले राहुल ने मोबाइल पकड़ा, फिर किसी और को थमाया और क्या करना है ये बताया. इस तरह पूरे देश में मोबाइल फोन से इस सियासी तमाशे का लाइव टेलीकास्ट हुआ. अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि इस पूरी कहानी में कितनी सियासत है और कितनी सच्चाई. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह. डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.